हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी चलिए शेयर करते हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोहा बनाने। पोहा बनाने के लिए मैं सबसे पहले 2 कटोरी पोहा ले ली हूँ, और इसको क्या करूँगी, इसको मैं पानी में इसको पहले वॉश कर लूँगी एक पानी से। तो मैंने चूड़े को इसको धो के रख दिया है। अब 5 मिनट हम वेट करेंगे, इसको ऐसे तरीके से फैला के रख रही हूँ, 5 मिनट वेट करेंगे। तो अब साथ के साथ में जब तक कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। गर्म हो चुका है कढ़ाई मेरा, मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैं मूँगफली, कच्ची मूँगफली है, इसको भून कर भून लेती हूँ। इसे पोहे में मूंगफली बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको कच्ची मूंगफली को भून रही हूँ, और इसको डालकर चलाते रहना है, कंटिन्यूस तरीके से चलाते रहना ताकि जले नहीं। तो ये हमारा मूंगफली हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। डेढ़ चम्मच और ऑयल डाल लेती हूँ, और तो मैं ये राई है सरसों के दाने, इसके बाद चटकने लगा क्योंकि गर्म था कढ़ाई, और हमारी कुछ कड़ी पत्ता। यहाँ देखो 2 हरी मिर्च है कटी हुई, और 1 प्याज है हमारा। 2 कटोरी पोहा था जिसमें 1 प्याज डाला मैंने। चला लेंगे, और तो हमारा ये मटर है जो कि आजकल सीजन है, हम डाल सकते हैं। पोहे में जितनी सब्जी डालो उतना ही सही है, काफी हेल्दी पोहा बनेगा। और कुछ कटी हुई गाजर है, तो हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते, थोड़ी सी हल्दी, हमें चलाते रहना है। जब तक चलाएंगे तब तक ये हमारा ये जो गाजर और मटर है गल ना जाए हल्का। अब हमारे जो गाजर जो अच्छे से गल जाए इसके लिए, और मटर इसके लिए हम 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। अब इसको देखते हैं, अब हमारे ये सब्जी गल चुकी है बहुत अच्छे से। बस ध्यान रखना है, जब हमें पोहा बनाना है, पोहा बनाने की अगर आप सब्जी यूज़ करते हैं जो भी, तो उसको काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो पतला पतला काटे ताकि वो जल्द से जल्द गल जाए। देखिए हम हमारे गल चुका है, जो हमारा टमाटर था टमाटर वो हम डाल रहे हैं। Thank you.
तो हमारा ये टमाटर सब्जी गल चुका है और जो मैंने मूंगफली भून के रखी थी वो अब मुझे डाल दी हूँ। पोहा ऐसा है रेसिपी है जो झटपट बन सकता है और जिसको भूख लगी हो, और इसके लिए और अच्छी बात है कि इसमें सारी सब्जी भी है और हमारा पोहा भी है, जल्दी से भी बन जाता है। पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि सारी सब्जी मिक्स हो जाए, जो भी नमक है। तो नाउ हमारा पोहा अब रेडी हो चुका है, तो मैं अब गैस बंद कर दे रही हूँ और इसको सर्व करती हूँ। देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा बना है, बिल्कुल चिपका नहीं है। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं, तो ऊपर से हम कटी हुई प्याज है इस तरीके से हम छोटे छोटे बारीक कट करके रखेंगे। थोड़ी सी नमकीन, नमकीन में कोई सा भी नमकीन हो सकता है। तो हमारा पोहा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसमें हम नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में अभी नींबू कोई पसंद नहीं कर रहा फिलहाल, तो मैंने बिना नींबू के डाला है बनाया।